उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी से कहना चाहूँगा कि जो आरोप या जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये आपकी पद को, आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता। आपको जनता ने काम करने के लिए चुनकर भेजा है और आप तो खुद ही कृपा पात्र हैं, दया पात्र हैं। चुनाव हारने के बाद भी आपको बड़े नेताओं की कृपा से, आशीर्वाद से आपको यहाँ का डिप्टी सीएम पद मिला है। हम सब लोगों ने कभी कृपा और दया की राजनीति पर राजनीति नहीं की है, लड़कर किया है, लड़कर लिया है और आगे भी लड़कर लेंगे। जो आप जिस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये आप खुद दया कृपा के पात्र हैं। जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, रोज आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी कौसाम्बी में एक परिवार के, आपके गृह जनपद में 3-3 लोगों की हत्या कर दी गई और तमाम आपके आपके बेटे के द्वारा वहाँ गरीबों की जमीन कब्जा की जा रही है। उस पर ध्यान दीजिए, उसको रोकिए, उस पर काम करिए जिससे कि उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाएँ ठीक हो जाएँ। मैं समझता हूँ, तो आपने धर्म की बात की है, हमसे बड़े धार्मिक मैं समझता हूँ कि आप ना आपकी पार्टी में कोई होगा। हम सब लोग जब साधु संतों पर लाठियाँ आपकी सरकार ने मिलकर, प्रदेश की सरकार ने आप लोगों ने चलवाया था, उस समय हम लोगों ने उसका प्रतिरोध किया था, जिसमें हम लोगों पर राष्ट्रपति की कार्रवाई कराई गई आप लोगों के द्वारा, और हम सब लोग लड़कर खड़े हैं। सनातनी हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, कण कण में महादेव विराजमान हैं और हम सब लोग धर्म के साथ, धर्म के लिए जीते हैं, धर्म के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आपकी तरह केवल दिखावटी हम लोग नहीं हैं। आप लोग बाबा भोले बाबा के अर्घे में हाथ धोते हो और आप बड़े बड़े सनातन धर्म की बात करते हो। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को अपनी बचकानी हरकतों से बाज आना चाहिए। उनका सूप और चलनी जैसा अहंकार ठीक नहीं है, जिसमें 72 छेद हैं। राजनीति में मैं केशव प्रसाद से बहुत वरिष्ठ हूँ। जनता ने लगातार 5 बार विधायक चुनकर भेजा है, जबकि वो खुद ही बड़े नेताओं की कृपा और दया पर डिप्टी सीएम बने हैं। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी दौरे के दौरान कांग्रेस नेता अजय राय पर निशाना साधते हुए कहा था कि नए मूल्य हैं, प्याज ज्यादा खा रहे हैं। मौर्य के इस बयान पर अजय ने तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से कहना चाहूंगा कि जो आरोप और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, वो आपके पद की गरिमा को शोभा नहीं देता। आपको जनता ने काम करने के लिए भेजा है, वो काम करिए। अजय राय ने आगे कहा कि आप तो खुद ही कृपा पात्र हैं, दया पात्र हैं। चुनाव हारने के बाद भी आपको बड़े नेताओं की कृपा से यहाँ का डिप्टी सीएम पद मिला है। हम सब लोगों ने कभी दया और कृपा की राजनीति नहीं की है, लड़कर लिया है और आगे भी लड़कर ही लेंगे। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप खुद ही दया के पात्र हैं। यूपी में आए दिन अपराध हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर काम करिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने सनातन धर्म को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि आपने धर्म की बात की, मैं कहता हूं कि हमसे बड़ा धार्मिक ना आप ना आपकी पार्टी में कोई होगा। हम सनातनी हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, हम सब लोग धर्म के साथ धर्म के लिए जीते हैं। आपकी तरह दिखावटी नहीं है। आप लोग भोले बाबा के अर्घे में हाथ धोते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, जनता आपसे यही चाहती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।